तो खेल के मैदान में आपने कई तरह के फैंस देखे होंगे, लेकिन हम आपको केरल के एक ऐसे फैन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो नीरज चोपड़ा के फैन हैं, और वो नीरज की हौसला अफजाई के लिए 22,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर पेरिस जा पहुंचे हैं। दो साल में 30 देश पार करके 22,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर पेरिस पहुंचने वाले ये हैं केरल के 22 अशरफ अली। And my favorite person in India, he's really hardworking. That's why he got gold medal. See, surely this Olympics also he will win. He will get gold medal. I am waiting for that. My all wishes to Neeraj Chopra. ये खास मकसद से पेरिस पहुंचे हैं और वो मकसद है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की हौसला अफजाई कर। केरल के इस साइकिलिस्ट के लिए पेरिस पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है। 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान खुद नीरज ने उन्हें ओलंपिक के दौरान पेरिस आने के लिए कहा था। इट विल बी अ वेरी हैप्पी मोमेंट। I am here in Budapest also. He got gold medal. When I was there, I wish him all the best that day. He got gold medal. Same like in Paris also, I wish him very good luck. He will get gold medal. नीरज चोपड़ा भी पेरिस पहुंच चुके हैं और अपना इवेंट शुरू होने के साथ ही सुर्खियां बटोरेंगे। लेकिन उनका फैन पेरिस की सड़कों पर सुर्खियां बटोरना शुरू कर चुका है। When I'm telling I am from India, they can't believe. They are telling no way. Then I'm trying to convince them through my social media and all pages. Then they will check my pages. Then only they will believe. And many Europeans are usually telling I respect or I hats off. These are the two words they are telling. That makes me so happy. साइकिल पर 22,000 किलोमीटर बिना शक एक विशाल कारनामा है। अब इस चीज को एक ही कारनामा मात दे सकता है, वो है जैवलिन फाइनल में 80 या 90 मीटर का थ्रो नीरज चोपड़ा का, क्योंकि वो भारत को मेडल जिताएगा और फैज की इस ट्रिप को और भी यादगार बना देगा। पेरिस में निखिल नाज आज तक।